अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। एक दफ़ा फिर नया रिकॉर्ड बांग्लादेश के नाम। बांग्लादेश ने एक के बाद नए रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। एक ही सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश ने कई रिकॉर्ड बना दिए। पहली दफ़ा बांग्लादेश ने इस सीरीज़ के अंदर इतने कम रन्स को चेज़ किया और वो भी 10 विकेटों से। बांग्लादेश ने एक भी विकेट खोए बगैर 50 ओवर्स के खेल को 10 विकेटों से जीत लिया और ये बांग्लादेश ने पहली दफ़ा किया हिस्ट्री में। और बांग्लादेश ने 13 ओवर में वनडे का मैच जीत लिया, ये भी पहली दफ़ा हुआ है। बांग्लादेश ने नए से नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। बांग्लादेश ने एक के बाद दूसरा बंगला वॉश कर दिया, वो भी आयरलैंड को। और आयरलैंड की टीम यहाँ पर परेशान हो चुकी है कि 50 ओवर के गेम को बांग्लादेश की टीम ने 13 ओवर में कंप्लीट कर दिया। तो क्या बात है, बांग्लादेश की बॉलिंग की बात करें, बांग्लादेश की बैटिंग की बात करें, तो आज नाकदीन हैरान है। बांग्लादेश की टीम किस तरह बड़ी से बड़ी जीत को गले लगा रही है और वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश की टीम तैयार हो चुकी है। बांग्लादेश की टीम ने वर्ल्ड कप से पहले धमाकेदार एंट्री शुरू कर दी है। पहले देखें तो इंग्लैंड, उसके बाद देखें तो आयरलैंड की टीम को बड़ी शिकस्त दी है, बड़ा बंगला वॉश किया है। तो बांग्लादेश की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश ने कई रिकॉर्ड बना दिए, कई रिकॉर्ड पाश कर दिए। पहले नंबर पे देखें तो बांग्लादेश ने बड़ा टोटल दिया, बड़ा टारगेट दिया आयरलैंड को, ये पहली दफ़ा हुआ। दूसरे नंबर पे देखें तो बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहीम ने पहली दफ़ा 60 बॉलों पे सेंचुरी बना डाली, तेज तरीन सेंचुरी बांग्लादेश की तरफ से बना डाली और ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हुए मुशफिकुर रहीम नज़र आए। उसके बाद देखें तो बांग्लादेश ने एक बड़ा पहाड़ जैसा हदफ आयरलैंड को दिया, वो बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हो सका, लेकिन बांग्लादेश के नाम दो रिकॉर्ड बन गए कि बांग्लादेश ने पहली दफ़ा ODI में इतना बड़ा टारगेट किसी टीम को दिया था। उसके बाद मुशफिकुर रहीम ऐसे खिलाड़ी बन गए जो बांग्लादेश की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी बना डाली, 60 बॉलों पे सेंचुरी कर डाली। आज के मैच में देखें तो आज का मैच बहुत ही लाजवाब रहा। बांग्लादेश की तरफ से यंगस्टर खिलाड़ी जिसका नाम है हसन महमूद, उसने 5 विकेटें हासिल कर डाली और बांग्लादेश की तरफ से 5 विकेटें हासिल कर ली बांग्लादेश के यंगस्टर खिलाड़ी हसन महमूद ने। और उसके बाद देखें तो बांग्लादेश ने आयरलैंड की टीम को 28 ओवर में 101 रन पे ऑल आउट कर दिया, ये भी बांग्लादेश ने बहुत ही कमाल कर दिया कि आयरलैंड की टीम को 101 रन पे ODI में 30 ओवर के अंदर अंदर कंप्लीट आउट कर दिया। उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से पहली दफा हिस्ट्री में पहली दफा बांग्लादेश की तरफ से 102 रन का हदफ चेस किया गया, 10 विकेटों से यह मैच जीत लिया बांग्लादेश ने। आज के टाइम पे देखें तो तमीम इकबाल क्या जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं। उसके बाद लिटन दास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि लिटन दास को आज के टाइम का विराट कोहली, आज के टाइम का मोहम्मद रिजवान और आज के टाइम का बाबर आजम कहा जा रहा है, क्योंकि लिटन दास की जितनी भी इनिंग्स देखें तो वो 50 से कम नहीं है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो कमाल का है। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास एक जबरदस्त क्रिकेटर सामने आया जो बांग्लादेश की फतवात में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और उसके बाद देखें तो बांग्लादेश की वनडे टीम का जैसे ही कैप्टन चेंज होता है तो बांग्लादेश की टीम एक नए जोश में, नए परफॉर्म में आ जाती है। और लिटन दास की जितनी तारीफ की जाए, उसके बाद तमीम इकबाल की जितनी तारीफ की जाए, ये कम है। बांग्लादेश की तरफ से बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने में लिटन दास, तमीम इकबाल, शाकिबुल हसन, उसके बाद देखें तो बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम, ये बड़े बड़े नाम जुड़ते जा रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट के साथ और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। आज दीगर बड़ी बड़ी टीमें हैरान हैं। एक तरफ देखें तो ऑस्ट्रेलिया से भारत हार रहा है, ऑस्ट्रेलिया भारत के अंदर सीरीज हरा रहा है, वो भी भारत को। क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखें तो बांग्लादेश अपने घर के अंदर किस तरह क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दे रहा है। इंग्लैंड की बात करें, उसके बाद आयरलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को बांग्लादेश के अंदर बड़ी बड़ी शिकस्त दे चुका है, घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका है। और ये सबक है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टीम अपने घर में आ रही है, भारत की टीम अपने घर में आ रही है और बांग्लादेश की टीम
बंगला वॉश कर रही है, एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है, एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है। पहले देखे तो इंग्लैंड के खिलाफ, अब देखे तो आयरलैंड के खिलाफ। पहले इंग्लैंड को बंगला वॉश किया और अब ओडीआई का बदला, जो इंग्लैंड ने ओडीआई सीरीज जीती थी उसका बदला आयरलैंड से लेते हुए 3 ODI की सीरीज के अंदर 2-0 से बंगला वॉश कर दिया बांग्लादेश ने आयरलैंड को। इतना जबरदस्त खेलती हुई आयरलैंड की टीम बांग्लादेश आकर खेलना भूल चुकी है। बांग्लादेश आयरलैंड के खिलाफ बड़े से बड़े रिकॉर्ड बना रहा है, बांग्लादेश एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रहा है और बांग्लादेश का जादू चल पड़ा है। बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप चल पड़ी है, बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप चल पड़ी है। आयरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश के बॉलर खतरनाक बॉलर साबित हुए हैं और इस वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी बांग्लादेश ने बजा दी है। बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैरान है बांग्लादेश की जीत के ऊपर कि एक के बाद एक जीत दर्ज कर रहे हैं, एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है और बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा 10 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज की है आयरलैंड के खिलाफ और ये बांग्लादेश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और बांग्लादेश के अंदर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला थम नहीं सका और बांग्लादेश के अंदर एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। पहले तो हसन महमूद की बॉलिंग की तारीफ की जाए, तस्कीन अहमद की बॉलिंग की तारीफ की जाए, इबादत हुसैन की बॉलिंग की तारीफ की जाए तो क्या कमाल के फास्ट बॉलर बांग्लादेश के अंदर बन चुके हैं। उसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो उसके अंदर लिटन दास की तारीफ करनी पड़ेगी। लिटन दास 38 बॉलों पे 50 रन स्कोर कर दिए, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली है लिटन दास ने। और उसके बाद देखे तो तमीम इकबाल का बल्ला भी चल पड़ा है। एक टाइम पे ये लग रहा था कि तमीम इकबाल लिटन दास से पहले 50 कर जाएंगे लेकिन उसके बाद देखे तो खेल चेंज हो चुका था और लिटन दास ने बैटिंग एंड पे आके जबरदस्त शॉट खेलते हुए 50 कंप्लीट की और बांग्लादेश की जीत की बुनियाद रख दी। आज तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप की, आज तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की कि किस तरह बांग्लादेश की टीम ने बड़ी जीत दर्ज की है और 13 ओवर में 102 रन बना दिए। इस मैच को भी T20 की तरह खेला बांग्लादेश ने, क्या जबरदस्त जीत दर्ज की है बांग्लादेश की टीम ने। आज तो बांग्लादेश की टीम की तारीफ बनती है, जितनी भी की जाए वो कम है। और आज बड़े बड़े खिलाड़ी देखकर, भारत के पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी देखकर हैरान है कि बांग्लादेश एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, एक के बाद एक जीत दर्ज करता जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।